हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अभी पबजी खेल रहा हूँ, बाद में करना। आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही? नहीं, मैं उसे पार्टी में नहीं लाता। लेकिन क्यों? वो गांव की है ना। ओहो, माफ करना यार, मुझे लगा केवल आपकी है। अरे जल्दी कर चल, मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट कर दिया है। चल यार, इतनी जल्दी जल्दी मत किया करो, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति मिला मेरे को। घबरा मत पांडे, छोटा सा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम पांडे नहीं है। जानता हूँ पांडे, मैं हूँ। साड़ी में तेरा मुंह फोड़ दूंगा, तुझे 70 बार बोला है मैंने कि सब्जी में मिर्च कम डाला कर, कम डाला कर। तुम्हें मिर्च वाली सब्जी खाने में दिक्कत क्या है? साड़ी, मिर्च वाली सब्जी खाने में दिक्कत नहीं होती है, जब हगने जाता हूँ तब दिक्कत होती है। चल तो रहे हो मेरे साथ मायके, लेकिन वहाँ पे लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो ये घर कौन सा कुरुक्षेत्र है जो रोज रोज महाभारत करती हो? चल यार, मैंने सुना है तू नए साल पे पार्टी कर रहा है, मुझे नहीं बुलाएगा? एक तो आप मुस्कुराते भी खूब हो, फिर दूसरा शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है कि आपको हैप्पी न्यू ईयर की दावत पर बुलाऊं, मगर सुना है आप खाते भी खूब हो। अबे यार, एक बात बता, आज तक तूने कभी किसी लड़की का चुम्मा लिया है? अबे यार, चुम्मा तो मैंने बहुत सारी लड़कियों का लिया है, लेकिन यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। तो क्या हुआ? अरे मेरी जान, बिना चाशनी के रसगुल्ला बेकार है, बिना मस्जिद के मुल्ला बेकार है, बिना कमीशन के दल्ला बेकार है, और बिना गर्लफ्रेंड के चुम्मा बेकार है। भाभी बस बहुत हुआ, अब मैं भैया को तुम्हारी सच्चाई बता के ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुमने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। जब भी मैं मेरे किसी दोस्त से पूछता हूँ कि किससे बात कर रहा है, तो बोलता तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ। सुनो जी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था, उठ के रोटी बना ले, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा, चपेड़ूंगा मुंह पे अभी। अरे यार सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये ना गूंगा है, तुम इसका ख्याल रखोगे? मैं अभी आती हूँ। ओके भैया, हादसा कैसे हुआ आपके साथ? अरब गूंगे कैसे हो गए? भाई मैं कोई गूंगा बूंगा नहीं हूँ, वो तो कुछ बोलने नहीं देती, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। थैंक यू, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई साहब, मुझे एक भैंस खरीदनी है। अरे बहन जी, आपने मेरी भैंस तो देखी रखी है ना, उसको खरीद लो आप। इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि दूध की नदियां बहा देती है। सबको मैं 60,000-70,000 में दे रहा हूँ, लेकिन आपको खाली 50,000 में दे दूंगा। लेकिन आपके भैंस की एक आंख तो खराब है। अरे बहन जी, आपको उसका दूध निकालना है या उसके साथ नैन मटक्का करना है? कब तक आएगा यार ये? बे साले चोटे, ये तो 100 का नोट मेरा है। चोर। डॉक्टर साहब किधर जा रहे हो? यार मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। अरे तुम तो खुद ही डॉक्टर हो। नहीं, मेरी फीस ज्यादा है। भैया अमेरिका जाना है। अमेरिका? अमेरिका? हाँ अमेरिका जाता। यहाँ से कितना अमेरिका? यहाँ से 7 रुपए। 7 रुपए? अरे 5 रुपए ले लो भैया। क्या भाई, 6 रुपए ला। जब कोई लड़की कहे कि बाबू नेट स्लो था, तो समझ जाना कि बेचारी बर्तन मांज रही थी। हाँ यही वदे। अबे तुझे पता है, एक बार ना मैं बॉर्डर पर चला गया था लड़ने के लिए। अच्छा, तो वापस क्यों चला आया? अबे यार, मैंने ये सोचा कि साली जब मुझसे घरवाली नहीं डरती, तो दुश्मन क्या घंटा डरेंगे।
एक्सक्यूज मी, आज तारीख क्या है? 21/2। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन आज तारीख क्या है? अबे खेबड़ी, तारीख ही बता रहा हूँ, 21/2। एक्सक्यूज मी नोजी, आप क्या पी रहे हो? अबे यार मैं ना दूध पी रहा हूँ। अच्छा, आज तक मैंने जिंदगी में कभी दूध नहीं पिया। अबे यार आज तक तो नहीं पिया, लेकिन कल जरूर पी लियो। क्यों? अबे कल नाग पंचमी है ना, इसलिए। नोजी, आप क्या पी रहे हो? लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मारते, लगातार सफर ये इसे मारते, लगातार काम ये इसे भी मारते, ये है गहरा काला। भैया इन लोगों के 100 का चाय पिला दो। 100 के 20 चाय हुए तो उठ कर कितने हुए? मालिक, चंपक लाल आया वसूली करने। उसको जाके बोल मैं घर पे नहीं हूं। पर मालिक, आप तो झूठ नहीं बोलते। इसीलिए तो तुझे भेज रहा हूं। यार हम दोनों 8वें में 8 बार फेल हो गए, तेरा दिमाग खराब नहीं होता? मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि आत्महत्या कर लूं। पागल हो रहा क्या? अगले जन्म में नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। भैया एक लीटर छाप देना। हाँ भैया। भैया हिला के देना। ये लो छाछ। अबे गधे, ये क्या कर रहा है? आपने तो बोला हिला के देने। पागल, छाछ हिला के देने का बोला था मैंने। गधे भाई, 2 रुपए का चॉकलेट देना। ठीक है भाई, दे रहा हूँ। ये लो भाई पैसे। 500? इतने बड़े नोट भाई? अरे भाई खुले नहीं है मेरे पास। अरे यार ये लो यार। 10 के नोट? यार पहले तुमको देना था यार। अरे यार मुझे लगा तू मुझे हल्के में ले रहा है। चलो सोना नगर, चांदी नगर, हीरे नगर, डायमंड नगर। भाई डायमंड नगर जाना था। आओ जाता मगर 5,000 रुपए टिकट है मालूम क्या उसका? ऐसा क्यों भाई? अरे रोड़ा बहुत चिकने वहाँ के गाड़ी भागती वहाँ। अरे भाई तुम हार क्यों सो रहे हो? अरे यार वो रात में ना दारू पी के आ गया था। अच्छा फिर? तो बीवी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन भाई तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। ताकत दूध में नहीं शराब में होती है। अगर यकीन नहीं तो एक गिलास दूध पीकर दीवार हिलाना, नहीं हिलेगी। फिर एक गिलास शराब पीकर तुम देखना, दीवार खुद ब खुद हिलेगी। मेरी चाय पियोगी? नहीं, मैं काली हो जाऊंगी। दिन भर तो मेरा खून पीती हो, लाल तो ही नहीं। अच्छा नूर, मेरे एक सवाल का जवाब दे। मान ले मैं तुझे 2 बिल्ली दूं, फिर 2 बिल्ली और दूं, फिर 2 बिल्ली और दूं, तो तेरे पास कितनी बिल्ली हुई? 7। नहीं यार, चल दूसरे तरीके समझाता हूँ। मान ले मैं तुझे 2 सेब दूं, फिर 2 सेब और दूं, फिर 2 सेब और दूं, तो तेरे पास कितने सेब हुए? 6। शाबाश, अभी वापस से पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मान ले मैं तुझे 2 बिल्ली दूं, फिर 2 बिल्ली और दूं, फिर 2 बिल्ली और दूं, तो तेरे पास कितनी बिल्ली हुई? 7। अबे पागल औरत, जब सेब 6 हुए तो बिल्ली 7 कहाँ से हो गई? अबे हमारे घर पे 1 बिल्ली पहले से ही है। बेबी, पता है तुमसे शादी होने के बाद मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। कैसे बेबी? क्योंकि बेबी, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। अबे यार एक बात बता, मैं क्या भगवान की तरह लगता हूँ? क्यों? अबे यार मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग यही कहते हैं, हे भगवान फिर आ गया। कृपया ध्यान दे, यहाँ नहीं अपने पढ़ाई पर। ये तो पढ़ो करना, घंटा ले लो, कॉपी ले लो, रुमाल ले लो, कद्दू ले लो, यही करोगे। बाबा जी प्रणाम। जीते रहो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी, मेरे पति कभी भी मुझे पेट्रोल पंप पर नहीं लेकर जाते, ऐसा क्यों? बाबा जी आप हंस क्यों रहे हो? अरे बच्चा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर साफ साफ लिखा होता है, कृपया आग लगाने वाली चीजों को ना लेकर आए, इसलिए नहीं लेकर जाते। अलाख निरंजन। ओए, वापिस रख उसे। आयोगी माँ।
से शादी करेगा? अरे यार, मैं तो उस लड़की से शादी करूंगा जो बढ़िया खाना बनाती हो, घर को साफ सुथरा रखती हो और उसको सादगी पसंद हो। मेरे घर आना, मेरी नौकरानी में ये सारे गुण हैं। क्या? Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं हूं भुवन। And I'm आशीष। I'm सपना। तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-M-A-T-E. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-M-A-T-E, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। हेलो V-Mate, the most trending short video app. तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए। चले, हमें भी वीडियो बनाना है।